ये भी सरकार के लिए 4 किलोमीटर के लिए आधिकारिक ड्राइव बॉनेट पर मैन क्लॉडियन। उत्तर प्रदेश के रामनगर में एक जूनियर प्रशासनिक अधिकारी ने 4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव के साथ अपनी कार के बोनेट पर लटका दिया। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए हैं। किसकी गलती है वैसे भी ठीक है, यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रामनगर में बिजरिया मामले की जांच करने वाले अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हालिया वीडियो जो सोशल मीडिया पर सामने आया था और व्हाट्सएप समूह के दौरों में एक आदमी को एक कार के बॉनेट पर चढ़ते हुए दिखाया गया था, जबकि वह दूर हो गया। चालक उसे एक सबक सिखाना चाहता था। वाहन चलाने वाला आदमी उत्तर प्रदेश सरकार में एक कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है और जो कार के बॉनेट पर रखता है क्योंकि उसका जीवन उस पर निर्भर था, काफी सचमुच एक प्रदर्शनकार था। यहाँ क्या हुआ है, बुधवार को ग्रामीणों के एक समूह ने विकास अधिकारी पंकज कुमार गौतम के कार्यालय को गांव में शौचालयों के निर्माण के लिए धन की दूसरी किस्त की मांग करने को कहा था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर विरोध करना शुरू कर दिया। घंटों तक चले गए और कोई भी उनसे नहीं मिला। जब श्री गौतम अंततः अपने कार्यालय से बाहर आ गए, विरोधियों के ग्रामीणों की जरूरतों को स्वीकार या संबोधित करने के बजाय उन्होंने अपनी कार के लिए सीधे अध्यक्षता की। समूह ने उस वाहन का पीछा किया जो भवन से 50 पिंस के आसपास खड़ी थी। वह जल्दी में मिल गया और इग्निशन चालू कर दिया। इस समय पूरे दिन गर्मी में इंतजार करने से थक गए कुछ प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में गुस्सा तोड़ दिया और अपनी कार को अवरुद्ध कर दिया, जिससे उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक दर्जन बार सम्मानित किया और यहां तक कि अपना रास्ता निकालने की कोशिश की। इस बिंदु पर एक अप्रिय गांव जगप्रजपाल आधिकारिक कार के बॉनेट पर कूद गया। यह आधिकारिक नाराज हो गया, जिसने अचानक त्वरित दबाया। कुछ अन्य प्रदर्शनकारियों ने रास्ते से बाहर निकलने के लिए जल्दी ही किया था, लेकिन ब्रजपाल ने खुद को बॉनेट पर लटकते हुए देखा क्योंकि कार ऑफिस ब्लॉक से कार निकल गई थी। इतना क्रोधित था पंकज कुमार गौतम को अपनी कार पर कूदने के लिए ब्रजपाल के साथ, उसने रुकने का फैसला नहीं किया और ब्रजपाल को कार्यालय से बाहर कदम रखने का फैसला किया। इसके बजाय गुस्से में फिट होने के कारण उन्होंने 4 किलोमीटर के लिए वाहन चलाया, जबकि ब्रजपाल ने इसे आयोजित किया। अपने दुश्मन के दौरान श्री गौतम को एहसास हुआ कि उनके कार्यों में उन्हें परेशानी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी कार के बोनेट पर लटके हुए ब्रजपाल का एक वीडियो बनाया और उसके खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने का निर्णय लिया। ब्रजपाल को भी कुछ फोन कॉल करने के लिए देखा गया था। शायद पुलिस को जब ब्रजपाल को अंततः 4 किलोमीटर बाद आने का मौका मिला तो उन्होंने आधिकारिक को चेतावनी दी और निर्णय लिया कि वह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को इस गंभीर अपराध से दूर नहीं होने देंगे। ब्रजपाल ने पंकज कुमार गौतम की कार्रवाइयों और कानून के लिए उपेक्षा के कारण अपनी जान गंवा दी थी। दोनों पुरुषों ने रामनगर में अवला पुलिस थाने में पार प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस शिकायतें जब जिला मजिस्ट्रेट वीरेंद्र कुमार सिंह ने घटना के बारे में सुना तो उन्होंने घटना की जांच के लिए चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की। ग्रामीणों ने शौचालयों के निर्माण के दूसरे चरण के लिए धनराशि जारी करने की मांग की है, लेकिन अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया है।